विश्व में कयास विक्ट्री डे पर सवाल, आइए इस बात पर आगे बढ़ेंगे कि 9 मई यानी कल आखिर पुतिन ऐसा क्या करने वाले हैं जो पूरी दुनिया की नजर उस पर टिकी हुई है। 9 मई को ऐसा क्या होगा जब पुतिन पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे होंगे कि आखिर 9 मई यानी विक्ट्री डे जब 75 दिन पूरे हो रहे हैं रूस और यूक्रेन वॉर के, तो ऐसा क्या होगा? क्या पुतिन और ज्यादा भीषण युद्ध का ऐलान कर देंगे? ये कयास लगाए जा रहे हैं। और भीषण युद्ध का ऐलान किसके साथ? यूक्रेन के साथ ही या कोई एक नया फ्रंट खोलेंगे? क्या पुतिन यूक्रेन के कुछ हिस्सों की आजादी का ऐलान कर देंगे? क्या कल सुलह और समझौते की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? क्या अमेरिका और पश्चिम से रूस का तनाव और बढ़ जाएगा? क्या ये पश्चिमी आशंका सही है कि वर्ल्ड वॉर टू जैसी डरावनी स्थिति बन रही है? वर्ल्ड वॉर टू जिसका आज बहुत अध्ययन करके आए संदीप जी, उनसे बात करेंगे। देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है? मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर एज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर एविएशन एक्सपर्ट, और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं रूस यूक्रेन थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, सीधे चलते हैं मॉस्को। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त मॉस्को से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, इस वक्त हम आपको देख पा रहे हैं यहां पर, आपके पीछे सड़कें खाली हैं, लेकिन 9 तारीख या कहें रेड स्क्वायर का वो इलाका जहां पर लगातार फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, बिल्कुल पंप अप किया हुआ है रूस के पूरे देश के माहौल को उस रिहर्सल ने, 9 तारीख को लेकर क्या महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त मॉस्को से आप? जी हाँ बिल्कुल गौरव, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए इस समय गुड मॉर्निंग मॉस्को में सुबह के 7 बज रहे हैं, और अगर मैं आपको कहूं तो देर रात में मैंने यहां जश्न होते देखा है, मॉस्को को अपनी मस्ती में मस्त होते हुए देखा है। और पूरी दुनिया में जब यूक्रेन से तबाही की तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है, वहां पर अगर मॉस्को से कहूं तो मॉस्को से चाहे रेड स्क्वायर की तस्वीर हो या फिर पूरे शहर में, सारी जगह बेहद चहल पहल है, जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है। लोगों से अगर आप बात करें तो चूंकि यहाँ के लोग बहुत राजनीतिक किस्म की बयानबाजी नहीं देते हैं, उसका कारण आपको स्वाभाविक तौर पर समझ ही सकते हैं, लेकिन पूरे शहर में अगर आपको मैं कहूं तो सबसे ज्यादा जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है बड़े मनीष तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। और मॉस्को में देखिए मनीष मौजूद है विक्ट्री डे से ठीक एक दिन पहले, यानी कल की तारीख को क्या होने वाला है, नजरें इसी पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।